नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। भारत में 45% लोग हैं बीपी के शिकार। नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ आंदोलन करना, नियोजित शिक्षकों को पड़ेगा महंगा। बांका में सोने की खोज को लेकर भारत सरकार की टीम इकट्ठा कर रही सैंपल। बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन। बिहार में फिल्म पॉलिसी तैयार, बॉलीवुड के कलाकार शूटिंग करने आएंगे बिहार। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ आंदोलन करना, नियोजित शिक्षकों को पड़ेगा महंगा। जब से कैबिनेट की बैठक में बिहार की नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर मुहर लगी है, तब से लगातार नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ इस नई नियमावली को लेकर विरोध किया जा रहा है। बता दें कि वैसे नियोजित शिक्षकों को नियमावली का विरोध करना महंगा पड़ सकता है। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा इन नियोजित शिक्षकों को धमकी देते हुए कहा गया है कि अगर नई नियमावली को लेकर नियोजित शिक्षकों के द्वारा कोई धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इसके लिए बीते दिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की ओर से सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया गया है। आज है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। भारत में 45% लोग हैं बीपी के शिकार। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि हाइपरटेंशन डे है। बता दें कि आज के दिन इस अवसर पर देश भर के चिकित्सा संस्थानों में लोगों को ब्लड प्रेशर के कारण बचाव और आवश्यक उपचार की जानकारी दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के समय में यह बीमारी लोगों के लिए एक घातक रूप लेता जा रहा है। मालूम हो कि वर्तमान समय में ज्यादा लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित है, जो कि मुख्य रूप से लोगों के द्वारा काफी स्ट्रेस लेने की वजह से होती है। बता दें कि इसका एकमात्र उपचार यही होता है कि समय समय पर ब्लड प्रेशर की दवाई ली जाए और साथ ही अपने जीवन शैली में कई बदलाव भी करें, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और साथ ही अपने खान पान पर भी ध्यान दे और बेवजह स्ट्रेस लेने से बचे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NFSH 5 के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 45% लोग ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, जिसमें महिलाओं की प्रतिशत 21.3 है तो वहीं पुरुषों की प्रतिशत 24 है। बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन। 13 मई से बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर के तरेत पाली में आयोजित बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन है। बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे से हो गई है। हालांकि इससे पहले बाबा बागेश्वर के द्वारा पटना के होटल पनास में लगभग 200 लोगों को गुरु दीक्षा दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज कार्यक्रम के आखिरी दिन बागेश्वर बाबा की ओर से दरबार में विभूति यानी बभूत का भी वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही पिछले 4 दिनों से जो भी प्रसाद बाबा को उनके भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया है उसे भी आज लोगों के बीच बांटा जाएगा। ऐसे में आज लोगों की ज्यादा भीड़ देखने को मिली है। वहीं भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। 1300 आवेदकों को मिलेंगे उद्यमी योजना के तहत 10-10 लाख रुपए। बिहार के वैसे युवा जो उद्यम लगाने के इच्छुक हैं उनके लिए खुशखबरी है। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत राज्य के 1300 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि भुगतान की जानकारी के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। बता दें कि इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बिहार की राजधानी पटना स्थित ज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत उद्योग मंत्री समीर महासेठ के द्वारा सभी लाभुकों को 4-4 लाख रुपए के डिजिटल भुगतान की स्वीकृति दे दी गई है। मालूम हो कि इसके 84 किस्तों में लाभुकों के द्वारा वापस किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत लाभुकों को सरकार की ओर से 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिनमें से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपए ऋण के रूप में दिए जाते हैं। बिहार में फिल्म पॉलिसी तैयार, बॉलीवुड के कलाकार शूटिंग करने आएंगे बिहार। पिछले दिनों बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा मैथिली फिल्म जंक्शन हॉल्ट देखने के बाद ऐसा कहा गया था कि बहुत जल्द ही बिहार में फिल्म निर्माण को लेकर नीतिगत बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि इसके लिए तैयारी चल रही है। बता दें कि विभाग की ओर से ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार में फिल्म पॉलिसी तैयार कर ली गई है। अब बस इस पॉलिसी को वित्त विभाग से मंजूरी मिलनी बाकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पॉलिसी के तहत अगर किसी निर्माता के द्वारा अपनी फिल्म की शूटिंग बिहार में 75% से ज्यादा की जाती है तो उन्हें लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही इस पॉलिसी के तहत लोकल कलाकारों को भी फिल्मों में मौका मिल सकेगा। इसके साथ ही फिल्म के घंटे के हिसाब से भी सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अगर कहीं बाहर के एक्टर या डायरेक्टर फिल्म बनाते हैं और बिहार के एक्टर को अपने फिल्म में लेते हैं तो इसके लिए उन्हें अलग से सब्सिडी दी जाएगी। बांका में सोने की खोज को लेकर भारत सरकार की टीम इकट्ठा कर रही सैंपल।
ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बिहार के बांका जिले के जयपुर इलाके में खनिज संपदा का भंडार मिल सकता है। बताया जा रहा है कि यहां से क्रोमियम निकेल जैसे खनिज मिल सकते हैं। बता दें कि इसको लेकर बीते 3 दिनों से भारत सरकार की जियोलॉजिकल टीम के द्वारा जमीन से 650 फीट नीचे से ड्रिल मशीन के द्वारा सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खनन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार स्थान पर 500 वर्ग किलोमीटर में खनिज संपदा का भंडार हो सकता है और अगर यहां पर खनिज संपदा मिलती है तो जयपुर के चंदे पट्टी और इसके आसपास असनाहा सोखा बांध केड़वार के साथ साथ कुतुडी गांव तक इसका दायरा बढ़ सकता है। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट जनशताब्दी ट्रेन से होगा अलग। बहुत जल्दी बिहार वासियों को पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सौगात मिलने वाला है। बता दें कि इस ट्रेन के परिचालन को लेकर रेल मंत्रालय की ओर से मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इन सबके बीच खास बात यह है कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट जनशताब्दी ट्रेन के रूट से थोड़ा अलग होगा और इसके साथ ही जनशताब्दी की तुलना में वंदे भारत ट्रेन से 2 घंटे समय भी कम लगेंगे। बता दें कि अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार एक तरफ जहां जनशताब्दी ट्रेन का परिचालन जिस रूट पर होता है उनमें पटना से तरेगाना जहानाबाद गया होते हुए झारखंड के कोडरमा हजारीबाग रोड पारसनाथ चंद्रपुरा बोकारो होते हुए रांची तक पहुंचता है, वहीं पटना रांची वंदे भारत ट्रेन पटना से खुलकर जहानाबाद गया हजारीबाग होते हुए बड़काना रूट से रांची पहुंचेगी। लखनऊ एटीएम लूट कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बीती रात यूपीएसटीएफ टीम के द्वारा सारण पुलिस के सहयोग से रिविलगंज थाना क्षेत्र के मोहब्बत परसा स्थित एटीएम तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह के सरगना सुधीर मिश्रा उर्फ बुलबुल मिश्रा को उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर सारण पुलिस के द्वारा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया है, लेकिन इस बात की पुष्टि वहां के सामान्य लोगों के द्वारा की गई है। बता दें कि बीते महीने लखनऊ के सुशांत लोक सिटी में एटीएम काटकर इनके द्वारा 39 लाख रुपए की लूट की गई थी। वहीं इस मामले में सारण जिले के लगभग आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी और साथ ही कई लोग नामजद भी थे। ऐसे में बीती रात इस मामले से जुड़े मुख्य सरगना को गिरफ्तार करने में यूपीएसटीएफ टीम को सफलता मिल गई है। मालूम हो कि वर्तमान में सुधीर मिश्रा की पत्नी रेखा मिश्रा मोहब्बत परसा पंचायत की मुखिया है। बिहार को केंद्र को चुकाना पड़ा 1 करोड़ रुपए का सूद। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद यानी कि रूसा के द्वारा राज्य के सरकारी कॉलेजों को विकास के लिए 52 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन कॉलेजों के द्वारा केंद्र की ओर से दी गई इन राशि का खर्च नहीं हो सका, जिस वजह से इसका सीधा असर कॉलेजों के विकास पर पड़ा है। बता दें कि अब इस मामले में नया मोड़ आया है और केंद्र के द्वारा अब बची राशि का 7% की दर से राज्य से ब्याज की मांग की गई है। वहीं मजबूर होकर अब तक बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद के द्वारा केंद्र को 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि दे दी गई है। इसके साथ ही 1 करोड़ की राशि के भुगतान होते ही केंद्र की ओर से एक बार फिर पूरे राज्य के सरकारी कॉलेजों के विकास के लिए 52 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। बिहार की राजधानी में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन शराब तस्कर और शराब की खेप से जुड़े मामले हमें सुनने को मिलते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के दलदली रोड इलाके का है, जहां मद निषेध उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मकानों से लगभग 15 कार्टन अवैध विदेशी शराब बरामद किए गए हैं और साथ ही 3 तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि बरामद की गई अवैध विदेशी शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मद्य निषेध उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा यह छापेमारी आज यानी कि बुधवार को की गई। जिला अपीलीय प्राधिकार के संचालन के लिए 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शिक्षा विभाग के अधीन प्रत्येक जिला में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार के संचालन के लिए 7 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी गई है। बता दें कि इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृति के आदेश के तहत तत्काल 4,38,12,238 रुपए की राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन इसके साथ ही विभाग के द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस राशि की निकासी संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। मालूम हो कि इस प्राधिकार में नियोजित शिक्षकों और वित्त रहित शिक्षक अपने वादे के निपटारे के लिए अपील कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार की ओर से जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। बता दें केंद्र के द्वारा यह कदम इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की रिपोर्ट मिलने के बाद उठाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गृह मंत्रालय के द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा मिलने वाली खतरे की रिपोर्ट को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा को सीआरपीएफ कमांडो की जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। मालूम हो कि उनकी सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड
तैनात किए जाएंगे। उनके घर पर 10 हथियारबंद स्टैटिक गार्ड, 2400 घंटे 6 पीएसओ, 3 शिफ्ट में 12 सशस्त्र एस्कॉर्ट कमांडो, 1 शिफ्ट में 2 वॉचर्स और 3 ट्रेंड ड्राइवर 2400 घंटे मौजूद रहेंगे। बता दें कि इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को मार्च में वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। सीबीआई ने राजद विधायक से 11 घंटे तक की पूछताछ। जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर बीते दिन सीबीआई के द्वारा आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। बता दें कि इस छापेमारी के दौरान सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम के द्वारा लगभग 11 घंटे तक भोजपुर जिला के संदेश विधानसभा सीट से राजद विधायक किरण देवी और उनके पति पूर्व विधायक अरुण यादव से पूछताछ की गई। इस दौरान किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। बता दें कि छापेमारी के दौरान और पूछताछ के दौरान राजद विधायक किरण देवी और उनके पति पूर्व विधायक अरुण यादव के अगियाव स्थित आवास के गेट पर सीआरपीएफ के साथ अन्य अधिकारी तैनात रहे। मालूम हो कि पूछताछ के बाद पूर्व विधायक अरुण यादव के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बताया गया कि जो भी लालू जी के करीबी हैं उन्हें ही परेशान किया जा रहा है। 2024 चुनाव को लेकर भाजपा दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ और मुंबई के मैच में भावुक हुए मोहसिन खान। बीते दिन आईपीएल 2023 के 16वें सीजन में 63वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जिसमें लखनऊ के गेंदबाज मोहसिन खान के गेंदबाजी के बदौलत मुंबई 5 रन से हार गई। वहीं मैच जीतने के बाद मोहसिन खान ने भावुक होते हुए अपने पिता को लेकर कहा कि वो टीवी पर जरूर मैच देख रहे होंगे। उन्होंने कहा कि पापा के लिए ही खेल रहा था और वे मेरी गेंदबाजी से आज काफी खुश होंगे। लखनऊ की इस जीत के साथ वे पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है और टीम का प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहसिन खान के पिता आईसीयू में भर्ती थे। उनके पिता 15 मई को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। वो 10 दिन तक आईसीयू में भर्ती थे। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन माधव पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने माधव पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है योगेंद्र रजक, रंजीत मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, उमेश ऋषिदेव, राकेश कुमार, सुरुचि कुमारी, अनवर करीम खान, वेद प्रकाश सिंह, प्रयाग सिंह, मोहम्मद सकीस हुसैन, मोटू रंगीला, कुमार दीपक, रूमा कुमारी, सदुल्लाह पलवी, लक्ष्मी मेहता। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।